अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमार शाहिद है और आज हम आईटी ट्रेनिंग्स में 2 दिन का कोर्स करवा रहे हैं जिसका मोटिव है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। इस कोर्स का बेसिक मकसद ये है कि हम इसमें बताते हैं कि जो आपकी क्रिटिकलिटीज़ हैं एसेट की, क्या चीज़ कितनी क्रिटिकल है इंडस्ट्री में और किस चीज़ पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर किस तरह से आपने फ्रिक्वेंसी डिफ़ाइन करनी है। और वो फ्रिक्वेंसी जो है, लेट्स से अगर 3 दिन की एक एक्टिविटी है, इंस्पेक्शन है, और अगर आपका ब्रेकडाउन ज़्यादा आ रहा है तो उस डाटा के बेस पे आपने उसको 3 दिन से 1 डे पे शिफ्ट करना है या 7 डे पे शिफ्ट करना है। आपने क्रिटिकलिटीज को डिफ़ाइन किस तरह करना है और आपने डाटा पे किस तरह प्ले करना है, जो कि मेंटेनेंस का डाटा है। मेंटेनेंस के डाटा में नंबर ऑफ ब्रेकडाउंस, कितने स्केड्यूल्स हुए, कितनी सर्विसेज चाहिए, कितने सिस्टम हैं, कितने पार्ट्स हैं, और ये सारा डाटा आपके प्लांट में कितनी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर कितनी लाइंस हैं, उसके अंदर जितनी भी मशीन्स हैं, उसके हर मशीन के अंदर जितने इक्विपमेंट हैं और इतने पार्ट्स हैं, तो ये देखिए कितना ज़्यादा डाटा बन जाता है। और इस सारे डाटा के अंदर से हमने उसके पैरामीटर्स, उससे भी ज़्यादा मिलियंस ऑफ एंट्रीज बन जाती हैं। तो इतने ज़्यादा डाटा को हमने नैरो डाउन करना है टू द बेसिक क्रिटिकलिटी लेवल। जो क्रिटिकल इक्विपमेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बट उसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि जिनका लीड टाइम बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्रिटिकल बन जाते हैं। तो इस चीज़ को स्टडी करना कि आपने पूरी हायरार्की किस तरह डिफ़ाइन करनी है एसेट और इक्विपमेंट तक, और उसको क्रिटिकलिटी के साथ कैसे करना है, और फेलियर मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसे आपने डिफ़ाइन करना है। फेलियर मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप देखते हैं कि किस इक्विपमेंट की कितनी ज़्यादा वर्थ है और प्रोडक्शन से कितना ज़्यादा रिलेटेड है, उसके स्टैंडवाइज हैं या नहीं है, उसकी इन्वेंट्री कितनी ज़्यादा है, उसकी स्केड्यूलिंग में क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या उसकी स्केड्यूलिंग कंप्लायंस रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती, उसमें अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस कितनी आपके पास अवेलेबल होती है, उसकी बेस के ऊपर हम लोग उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो सीखने के लिए आप ज़रूर रब्ता कीजिए आइडिया ट्रेनिंग्स।